वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। चंबल के आखिरी खूंखार डकैतों में से एक और हत्या के 100 से अधिक मामलों में आरोपी जगन गुर्जर ने राजस्थान के धौलपुर जिले के एक कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को धमकी दी है। वीडियो जारी कर जगन गुर्जर ने विधायक को बिना किसी सिक्योरिटी के उसके सामने आने की धमकी दी है। डकैत जगन गुर्जर की इस धमकी के बाद राजस्थान सहित 3 राज्यों में उसकी तलाशी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। डकैत जगन गुर्जर के वीडियो की भाषा कुछ ऐसी है कि हम उसे आपको सुनवा नहीं सकते, मगर वीडियो में दी गई गालियों और धमकियों को हटा दिया जाए तो जगन गुर्जर ने आरोप लगाया है कि विधायक मलिंगा ने उससे विधायक जसवंत की हत्या करने को कहा था, जो उसने नहीं किया, जिसके बाद विधायक मलिंगा जगन के खिलाफ साजिशें कर रहा है। वीडियो में जगन पुलिस वालों को भी अपशब्द कहते हुए नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की 8 टीमें जगन को तलाश रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल अपने जवाबी वीडियो में विधायक मलिंगा को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैंने कोई पुलिस सुरक्षा नहीं ली है, मैं बस उसका इंतजार कर रहा हूं। अगर वो मर्द का बच्चा है तो उसे मेरे घर आना चाहिए और मेरा सामना करना चाहिए। ऐसे जगह एक हजार पैदा हो जाए, अगर इसकी मां ने दूध पिलाया तो ये जगह रख के नहीं और चैलेंज रख के नहीं आ जाएगा, मदद नहीं करेगा मेरी से। इसकी बंदूक में से गोली नहीं निकलेगी, मेरी में से पानी नहीं निकलेगी। इसकी मां ने दूध पिलाया तो चैलेंज रखे और जगह रखे। ये मोबाइल पे गाली बक से क्या होता है कि गाली बक दो मोबाइल पे और फिर इसको वायरल कर दो। मलिंगा ने इस मामले को लेकर इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि वीडियो में गुर्जर द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। मेरा डकैत से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर के आरोप भी झूठे हैं और वह खुद भी गलत कामों में शामिल हैं। यह सब राजनीतिक ड्रामा है। मैंने हाल ही में मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने अधिकारियों से बात कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मैंने कोई पुलिस सुरक्षा नहीं ली है, मैं अब भी अपनी चुनौती पर कायम हूं। ₹50,000 का इनामी डकैत जगन गुर्जर एक बार आत्मसमर्पण भी कर चुका है, मगर कुछ समय बाद ही दोबारा अपराध जगत में कूद पड़ा। जगन के खुलेआम लोगों के धमकाने के वीडियो भी वायरल होते रहे हैं। फिलहाल राजस्थान, यूपी और एमपी की पुलिस उसे तलाश रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।